हर हर महादेव, 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 श्री केदारनाथ। जय रामनाथ स्वामी। 27 अक्टूबर को केदारनाथ का हमारा 2018 का प्रथम सूर्योदय था। प्रातः 5 बजे जब सो करके उठे तो मौसम साफ था, किंतु गलन इतनी ज्यादा थी कि दो दो रजाइयों में होने के बावजूद कपकपी छूट रही थी। बाथरूम में नलों का पानी जम गया था। तब हमारे मित्र श्री अनिल जी बगवाड़ी से गर्म पानी मंगवाया। इस बार रात्रि विश्राम हमारे मित्र अनिल जी बगवाड़ी के ही आवास पर हुआ था। इस बार तीर्थ गुरु जी को 9 बजे का समय दे दिया था, लेकिन केदार दर्शन की लालसा भीषण ठंड पर भारी पड़ी और 8 बजे ही हम स्नान से निवृत्त होकर के और तैयार हो गए केदार भगवान की पूजन के लिए। रामेश्वरम से लाया हुआ 22 कुंडों का पवित्र जल और धनुषकोडी से लिया हुआ 3 सागरों के संगम का जल और अन्य पूजन सामग्री लेकर के भोलेनाथ की सन्निधि में पहुंच गए। तीर्थ गुरु के सानिध्य में भावपूर्ण पूजा अभिषेक संपन्न हुआ तो मन आत्मिक आनंद से भर गया। रास्ते के सारे कष्ट, सारी थकान दूर हो गई थी। शिवो हम शिवो
यही माल कहे शिवो शिवो। गीता में भगवान ने कहा गहना नाम में हिमालय, गहनों ने में हिमालय हूँ, पर्वतों ने हिमालय। चलो भैरव राज जी की चढ़ाई के लिए तैयार है। भैरवनाथ जी के तेल चढ़ा करके और भैरवनाथ से प्रार्थना करेंगे। आइए। पर्वतों का किशन देव रूपी हिमाला, पर्वतों का किशन देव रूपी हिमाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, फिर भूमि कहे शिवो हम शिवो, भैरव घाटी चढ़ते हुए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, ऐसा लग रहा है हम ऊपर और आसमान नीचे है। हर हर महादेव। ये ही बाल कहे शिवो हम शिवो, ये ही बाल भुकुंड भैरवनाथ के मार्ग पर बड़े मनोहारी झांकियों का दर्शन करते हुए हम भैरवनाथ के यहाँ पहुँच गए हैं और भैरवनाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के और हम कृतार्थ हो गए हैं। और अब हम पुनः नीचे उतर करके और सोन प्रयाग के लिए विदा होंगे। हमारे तीर्थ गुरु जी और हमारे मित्र बगवाड़ी जी से, अनिल बगवाड़ी जी से, हर हर महादेव। कुछ देर धाम में आनंद लिया और तीर्थ गुरु जी और अनिल जी बगवाड़ी से भावपूर्ण विदा लेकर के सोन प्रयाग के लिए रवाना हो गए, जहां से कल श्री बद्री विशाल धाम के लिए रवाना होना है। जय श्री बद्री केदार, हर हर महादेव। वर्तमान नया रास्ता ऊपर ऊपर आ रहा है और आज हमने लौटते समय जो रास्ता चुना है वो 2013 का ये वाला रास्ता चुना है। रास्ता है लेकिन पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। अनुभवी लोगों के लिए ही ये रास्ता बचा हुआ है, जिनका अनुभव नहीं है उन्हें इसमें आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला।
वरों का किशन देव रूपी माला, पर्वतों का किशन देव रूपी माला। हर 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 महादेव। रामनाथ स्वामी की ज्योतिर्लिंग धाम से, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धाम से 22 कुंडों के जल और समुद्र संगम के जल से भगवान केदारेश्वर के अभिषेक के बाद अब हम सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं और गुप्त काशी से हमें बद्री विशाल के लिए बस मिलनी है। तो हो सका तो अभी कोई साधन मिला तो गुप्त काशी रात्रि विश्राम करेंगे, नहीं तो सवेरे गुप्त काशी से चौपता तुंगनाथ होकर के और बद्री विशाल के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगे। अरहर नीचे उतरते हुए हिमालय की धुन में धुन मिलाएं, ये हिमालय कहे शिवो शिवो सोन प्रयाग से हमें साधन मिल गया और हम गुप्त काशी पहुंच गए और गुप्त काशी में ओंकारेश्वर मंदिर जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे तो हैं लेकिन पट मंगल हो चुके थे और यहाँ गंगा जमुना सरस्वती की धाराएं इस कुंड में बहती हैं, तीन धाराएं जिन्हें गंगा से जमुना सरस्वती का नाम दिया है और विश्वनाथ मंदिर के शिखर दर्शन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और सवेरे यहीं से अर्थात गुप्त काशी से बद्री विशाल के लिए चौपता गोपेश्वर चमोली होते हुए बद्री विशाल के लिए प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव। विश्वनाथ मंदिर के बाहर से ये उखी मठ का दृश्य बड़ा पावन ऐसा लग रहा है जैसे शंकु आकार शिवलिंग बने। हाँ बड़ा अच्छा दृश्य, जैसे दीपावली मनाई जा रही है वो कई मंदिर कुछ ही दिन बाद में केदारनाथ यहीं आकर के और पूजा अर्चना करेंगे। ये हिमालय कहे शिवो हम शिवो हम, ये हिमालय कहे शिवो हम। हर शिखर यूं लगे, हर शिखर हिमालय का किसी भी शिखर का देख लो ऐसा लगता है जैसे केदारनाथ बैठे